नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ उज्ज्वला और आप देख रहे हैं कृपा शक्ति। और कृपा शक्ति जो है आपको आयुर्वेद से संबंधित सभी जानकारी आप तक पहुंचाता है। दर्शकों, आज का भी वीडियो कुछ इसी तरह का है। आज क्योंकि आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम स्टार्ट हो चुका है और गर्मी की वजह से बहुत सारी बीमारियां जो हैं होने लगती हैं। आप चाहे हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो या फिर कोई दूसरी बीमारी हो, कई बार हमें गर्मी आने भर से ही समस्या होने लगती है क्योंकि गर्मी के मौसम में बहुत सूर्य की हानिकारक किरणें जब हम तक डायरेक्ट पहुँचती हैं तो बहुत सारी दिक्कतें, हमारे स्किन प्रॉब्लम्स, हमारी अंदर इनर साइड से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो कुछ ऐसी ही एक दिक्कत है जो गर्मियों के मौसम में अक्सर देखी जाती है, वो है खुजली की प्रॉब्लम, यानी इचिंग। जब आप पसीने से बिल्कुल तरपतर हो जाते हैं और उसके बाद आप घर पहुंचते तो ऐसे में बहुत सारे बैक्टीरिया धूल मिट्टी के कारण आपके बॉडी पर होते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है फंगल इन्फेक्शन, आपको इचिंग की समस्या होने लगती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे नुस्खे बताऊंगी जिससे आप इस गर्मी की खुजली से राहत पा सकते हैं और ये उपाय जो है आप अपने घर पर कर सकते हैं। तो इन 5 घरेलू उपाय जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट में जो कॉमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि इनमें से आप कौन सा उपाय करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पहला उपाय। क्योंकि गर्मी में आपको जो है अपनी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, आप बिल्कुल साफ़ सुथरे रहें, इसलिए नहाने पे तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब नहाने का पानी जो है आपको इचिंग की प्रॉब्लम से बचा सकता है। अब कैसे बचा सकता है, ध्यान से सुनिएगा। दरअसल अगर आप नहाने के पानी को नीम की पत्तियों के साथ उबालते हैं, यानी नीम की जो पत्तियाँ होती हैं पानी के साथ, जब आप उसे उबाल कर ठंडे पानी से आप नहाते हैं तो आपकी जो बॉडी होती है उस पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो सारे मर जाते हैं और जो आपको एक साफ सुथरी बॉडी आपको मिलती है। यानी कि जब आप उस नीम के पत्ते के पानी से नहाते हैं तो ऐसे में जो आपके ऊपर एंटी फंगस, यानी दूसरे फंगल्स वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो जब आपकी बॉडी पर होते हैं तो वो छूट जाते हैं, यानी वो निकल जाते हैं नहाने भर से। तो ऐसे में जो आपको इचिंग की समस्या नहीं होगी। आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल दिन में 2 बार करें, सुबह और शाम को, यानी जब आप कहीं बाहर से आए तो भी आप इस पानी से नहाएं ताकि आपके शरीर पर जो गंदगी आप बाहर से लेकर आए हो वो सारे निकल जाए और उसके बाद अच्छे से मॉइस्चराइज करके अपनी बॉडी को रखें ताकि उसकी नमी भी बनी रहे और आप ऐसे फंगस से भी बच पाएंगे जो आपको खुजली की समस्या देते हैं। अब कई बार कुछ लोगों को क्या होता है कि वो इतनी ज़्यादा इचिंग उन्हें होती है कि वो उसे बहुत ज़्यादा खुजा देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है लाल लाल बड़े बड़े चकते पड़ जाते हैं और वो धीरे धीरे जो है फैलते रहते हैं। अब ऐसे में अगर आपको ऐसी समस्या हो रही है, यानी आपको भी इसी तरह की इचिंग होती है या फिर आपकी बॉडी पर किसी तरह का ऐसा ही कोई निशान बनता जा रहा है इचिंग की वजह से और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मैं कैसे अपनी इस खुजली की समस्या को ठीक करूं, तो ऐसे में नारियल तेल आपके काम आएगा। जी हाँ, हर घर में नारियल तेल का प्रयोग हम करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में नारियल का तेल यूज़ होता है, तो आप खुजली की समस्या को भी नारियल के तेल के मदद से दूर कर सकते हैं। आपके जिस जगह पर खुजली सबसे ज़्यादा हो रही है उस जगह पर नारियल तेल लगाएं। ऐसा करने से आपको नमी तो मिलेगी ही लेकिन उसके साथ साथ आपकी खुजली की समस्या भी जो है ठीक हो जाएगी। तीसरा घरेलू उपाय। अब क्योंकि हर घर में तुलसी का प्रयोग भी बहुत ज़्यादा होता है, तुलसी जो है एक बहुत अच्छी औषधि मानी गई है आपके किचन में भी, तो ऐसे में आप तुलसी की मदद से भी अपनी खुजली की समस्या को ठीक कर सकते हैं। दरअसल अगर आप तुलसी के कुछ पत्ते लीजिए और उसके बाद उसे नारियल तेल के साथ मिक्स कीजिए, यानी तुलसी के पत्ते को पीस कर पेस्ट बनाकर नारियल के तेल के साथ उसे मिक्स कीजिए और जहाँ पर आपको खुजली की समस्या हो रही है उस जगह पर लगाएं, नकीर माने, आपको ठंडक भी मिलेगी और साथ के साथ जो आपकी खुजली की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। आप भी जानते होंगे कि तुलसी जो है एक बहुत ही गुणकारी औषधि में से एक है और तुलसी का प्रयोग हम अलग अलग बीमारियों में भी करते हैं, यहाँ तक कि खांसी जुकाम जैसे काढ़े में भी तुलसी का प्रयोग किया जाता है। तो आप जो है अपनी इस इन्फेक्शन, इचिंग इन्फेक्शन वाली प्रॉब्लम को भी तुलसी की मदद से ठीक कर सकते हो और ये बहुत ही अच्छा और असरदारक उपाय माना गया है। कई बार क्या होता है कि जब हमें खुजली की समस्या होती है तो बार बार इचिंग करते हैं, बार बार इचिंग करते हैं तो हमें जलन बहुत ज़्यादा होने लगती है। ऐसी जलन से कैसे छुटकारा पाएं? बार बार उस जलन की वजह से दाने भी उसमें हो सकते हैं या फिर जो जगह है उस पर कुछ रैशेस भी आ सकते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, चंदन का प्रयोग करना है। आप ही जानते हैं कि चंदन भी एक काफ़ी गुणकारी औषधि माना गया है और स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा माना गया है। आप नियमित रूप से चंदन का लेप लगा सकते हैं या फिर आप कई बार फेस पैक के तौर पर भी चंदन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चंदन जो है आपको खुजली पर भी राहत देगा, आपको ठंडक प्रदान करेगा और आप चंदन को जो है चंदन का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो चंदन को गुलाब जल में मिलाकर या फिर आप चंदन को जो है पानी से मिलाकर आप
उस जगह पर लगाए जहां पर आपको इचिंग की समस्या हो रही है, तो आप जो है अपनी खुजली की समस्या से राहत मिल जाएगी। और साथ के साथ जो जलन आपको हो रही थी उस प्लेस पर, यानी जिस स्किन प्लेस पर आपको वो जलन हो रही थी, उससे भी आपको राहत मिलेगी, क्योंकि चंदन जो है वो ठंडा होता है। चंदन का लेप नहीं है तो ऐसे में आप चंदन का तेल भी लगा सकते हैं, जिससे आपको नमी भी मिलेगी और आपकी जो खुजली की समस्या है वो भी ठीक हो जाएगी। अब एक आखिरी चीज़ जो हम हमारे घरों में पाई जाती है और बहुत सारी चीज़ों में भी यूज़ होती है, जी हाँ बिल्कुल ठीक अगर आपने आइडिया लगाया है, तो वो चीज़ है एलोवेरा। एलोवेरा जो है आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। एलोवेरा जेल आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, यहाँ तक कि अगर आप एलोवेरा जेल खाते भी हैं, उसके खाने के जो तरीके होते हैं थोड़े से अलग होते हैं, अगर आप उसे खाते भी हैं तो भी बहुत ज़्यादा आपकी स्किन के लिए अच्छा माना गया है। तो ऐसे में खुजली के लिए भी आप एलोवेरा जेल का प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आपको खुजली की समस्या से राहत दिला सकते हैं एलोवेरा का जेल। घर में अगर एलोवेरा का जेल अगर मार्केट से लेकर आए हैं तो भी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर आपके घर में आसपास अगर आपको एलोवेरा का पेड़ मिल जाए तो उसे वहाँ से उसकी एक पत्ती लीजिए और जहाँ पर आपको इचिंग की समस्या है वहाँ पर उसकी मसाज कीजिए। नमी भी मिलेगी, आपकी जो फंगस प्रॉब्लम है उसे भी दूर करेगा, साथ के साथ बहुत ही अच्छा उपाय ये माना गया है खुजली की समस्या को दूर करने के लिए। यकीन मानिए जब आप ये सारे उपाय करेंगे, इनमें से कोई भी उपाय करेंगे, तो आपको जो है ये गर्मी की वजह से होने वाली इचिंग से बहुत ही अच्छी राहत मिल जाएगी, बहुत ही जल्दी से छुटकारा मिल जाएगा। और नहाने वाली बात जो मैंने सबसे पहले बताई थी उस पर तो बिल्कुल गौर कीजिएगा, डेली आप इसे अपने रूटीन में ज़रूर लेकर आएगा ताकि आपको जो है ये प्रॉब्लम हो ही ना, यानी अगर आप ये डेली रूटीन में शामिल करेंगे तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी। बाकी के जो उपाय हैं वो अगर आप इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल साफ़ सुथरे और बैक्टीरिया फ्री रहें, तो ऐसे में जो है अपने रूटीन में ज़रूर लेकर आइए कि आप जो है नीम की पत्ती के पानी को उबाल कर उसके स्नान अगर डेली करेंगे तो आपको जो है आप इस बीमारी से, इस प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। फिलहाल इस छोटे से एपिसोड में इतना ही, फिर से हाजिर होंगे आयुर्वेद से संबंधित कुछ जानकारियाँ लेकर और आपसे संबंधित कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी लेकर जो आप डेली प्रॉब्लम में फेस करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि घर पर रहकर ही घरेलू उपाय से इन प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाएं, तो हमारी यही कोशिश है कि आप तक हम वो जानकारियां पहुंचाते रहें। फिलहाल देखते रहे कृपा शक्ति। नमस्कार।